ओवरकम कैसे करें? तो प्रश्न ये है कि हम भक्तों के समाज में तो चलो रह ही रहे हैं, सर्विस भी कर रहे हैं। अब कोई भक्त अगर हमारे में कमी निकालता है तो हमारे को वो बात चुभ ही जाती है, कभी कभी चुभ जाती है हमें वो बात, उस भक्त के प्रति हमारा मन भी खट्टा हो जाता है। तो इस कमी को हम कैसे दूर करें, कैसे हम अपनी चेतना को बना के रखें विनम्रता वाली, यही प्रश्न है ना आपका? कैसे हम अपनी चेतना को विनम्र बनाए रख सकते हैं? हमें कृतज्ञता, कृतज्ञता पता कैसे आती है? कृतज्ञता हमारे हृदय में आती है जब हम इस चीज़ का आंकलन करते हैं, इस बारे में सोचते हैं, हम जानबूझकर सामने से हम सोचना शुरू करते हैं कि इस वरिष्ठ वैष्णव ने मेरी कितनी सहायता की है, इन्होंने मेरे लिए कितनी मेहनत की है, मैं इनसे कितने उल्टे सीधे सवाल पूछा करता था, इन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। रात बेरात जब मेरा मन आता था इनको फ़ोन करता था, इनके पास चला जाता था, इन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि मैं बिज़ी हूँ भाई, अब कैसे आ गए तुम, बाद में आना, नहीं, इन्होंने हमेशा अपने आप को उपलब्ध रखा। दे मेड देमसेल्स अवेलेबल टू अस, हमेशा हमारी सहायता करने की कोशिश की। और फिर उनके आचरण को देखो, फिर उनके आचरण को देखो कि वो उनका आचरण कैसा है, दूसरों की हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर हैं, खुद अच्छे से आचरण कर रहे हैं, शिक्षाओं के ऊपर खुद चलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हम अगर सोच के, अगर हम अपने हृदय में ये बात सोचना शुरू कर देंगे, तो फिर हमें जब ये बात समझ में आ जाएगी कि वो भक्त का जो स्वभाव है, हम दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना, हम लोग भगवद गीता भागवतम क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि प्रभुपाद ने उस पर टीका दिया, और प्रभुपाद कभी किसी का अहित नहीं कर सकते, प्रभुपाद ने पूरा जीवन हमारे कल्याण के लिए लगा दिया, इसलिए हम भगवद गीता और भागवतम के संदेश में हमारी श्रद्धा वहाँ से आ रही है, फिर धीरे धीरे विकसित हो जाती है। ऐसे ही जो वैष्णव है, जो जिनसे हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, जिनसे हम मार्गदर्शन ले रहे हैं, हमें उनके बारे में ये निश्चित कर लेना चाहिए कि ये कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। इनका उद्देश्य मेरी कमियां निकालना नहीं है, कि इसकी कमियां निकाल के इसको नीचा दिखाता हूँ, इसको बहुत बन रहा है ये, ऐसा नहीं है। अच्छा, इनका जो उद्देश्य है वो मेरे को और ऊपर उठाना है। अभी तक मैं पहले यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, किसकी मेहरबानी से, किसकी दया से, वैष्णव की दया से, अब यहाँ से इधर भी जाना है मेरे को, वो कैसे जाऊँगा ऊपर, किसकी दया से जाऊँगा, इन्हीं की दया से जाऊँगा, कैसे? जैसे हमारे आचार्य बोल रहे हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि सोने को शुद्ध करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है, उसको आग में जलाओ, आप उस पर खटास लगाओगे, हल्दी मलोगे, इमली मलोगे, राख मलोगे, क्या उससे सोना साफ होगा? फर्क पड़ेगा भाई, क्यों नहीं होगा? आप खटाई मलोगे, खटास उस पर इमली से रगड़ोगे, उस पर चमक आएगी उसके अंदर, आप राख से मलोगे, उसके ऊपर जो मैल है वो खुरच के अलग हो जाएगी, होगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा उससे। लेकिन जो फर्क आग में जल के सोने को फर्क पड़ता है, जो शुद्धता जो हमारे अंदर है, जो ये खटास है, राख है, ये सरफेस को, जो बाहरी सतह है उसको साफ कर देगी, अंदर क्या, जो हमारे अंदर चल रहा है उसका क्या है, उसको आग से जलाएंगे तो अंदर की जो हमारे जो कमियां है, प्रदूषण है, जो दोष है, जो कलमश है, वो आग के अंदर जल के बाहर निकलेगा और ऐसे धुआं बन के हो जाएगा। तो क्या सोने को आग में जलना सुखप्रद है? नहीं है, लेकिन तरीका वही है सोने को शुद्ध, अच्छी तरह से शुद्ध करने का। तो हमें ये सोचना पड़ेगा खुद, हर एक भक्त को व्यक्तिगत रूप से अपने लिए,
उसको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं भारी, जो भारी सरफेस है, भारी सतह है, आउटर सरफेस है, क्या मैं केवल उसकी सफाई करना चाहता हूँ या मैं अपने हृदय को भी साफ करना चाहता हूँ। हृदय को साफ करना है, देखो आपको आलोचना की आग में आपको जलना पड़ेगा। अगर आप नहीं जलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं जलोगे कोई समस्या नहीं है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर आप जलने के लिए तैयार हो जाओगे फिर ऐसे प्रोग्रेस होगी, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागोगे उस समय, आप कोई आपको रोक नहीं पाएगा तब। लेकिन उसकी कीमत ये आलोचना की आग के देनी पड़ेगी। ये बात अगर हमने अपने हृदय में उतार ली, बार बार हमने अपने आप को इस बारे में याद दिलाया, बस होता क्या है, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, सबको पता ही है सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सब अधिकतर भक्त जो है, आप सब मेरे से बहुत अधिक उन्नत हो। होता क्या है, जब उसको अप्लाई करने का टाइम आता है हम भूल जाते हैं, करंट बन जाते हैं हम उस समय। जब उस विद्या को अप्लाई करने का समय आता है उस समय हम भूल जाते हैं उस विद्या को। जब जब बिल्कुल सबसे अधिक ज़रूरत होती है उसको हमें प्रयोग में लाने की, अपने जीवन में जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करने की, भूल जाते हैं हम उसको। अरे नहीं, ऐसे थोड़े ना होता है, हम सामना करेंगे, हम लड़के रहेंगे इस बात से, उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, बस बात वहाँ पे फंस जाती है। तो बार बार इन बातों को याद दिलाने की आवश्यकता है, बार बार इन विश्व कृष्ण कथा पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है, कोई शंका नहीं है इसके अंदर। लेकिन इन विषयों पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये विषय नहीं रहेंगे, अगर हमें इन बारे में अगर कोई बात नहीं होगी, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हम कृष्ण कथा सुनने के लिए भी जीवित नहीं रहेंगे। धीरे 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 हम भक्ति से पीछे हटते चले जाएंगे। हम लोग प्रभुपाद की दया से ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, हमारा अच्युत गोत्र बन गया अब। लेकिन जैसे रावण ब्राह्मण कुल में पैदा होकर असुर बन गया, नरकासुर भगवान का ही पुत्र बन के असुर बन गया, माता और पिता दोनों ही बहुत ही तेजस्वी और एग्जाम्पलरी हैं, आदर्श हैं माता पिता। पृथ्वी माता सहन शक्ति कहाँ से सीखेंगे, सहन शक्ति किससे सीखनी चाहिए, धरती माता से सीखनी चाहिए। पृथ्वी सिखाएगी सहन शक्ति कैसे, क्या होती है, उसकी सीमा क्या है, ये कौन बताएगा, पृथ्वी माता बताएगी। भगवान कृष्ण के बारे में क्या बोले, वो तो स्वयं धर्म के प्रतीक है। फिर भी अगर सावधान नहीं रहेंगे तो बाहर निकल जाएंगे, ब्राह्मण से अच्युत गोत्र से रावण के गोत्र में घुस जाएंगे। इसीलिए इन कठिन चुभते हुए विषयों को बार बार सुनने की आवश्यकता है। और जब हम इसको बार बार सुनेंगे तो संभावना है जब हमारी आलोचना हो रही होगी हम उसको सुन के सहन कर पाएंगे। मान लेते हैं आप सही हो वो गलत है, फिर भी उसको सुनो। क्योंकि अगर आप सही हो, अगर आप गलत हो और किसी ने आपकी गलती बता दी कि देखो आप ये गलती कर रहे हो, तो उसको स्वीकार करना तो एक लॉजिकल धर्म का विषय है ही कि आप गलत थे, आपने स्वीकार कर लिया। मान लेता हूँ आप सही हो और किसी ने बोला आप गलत हो, तो दीनता कहाँ पर है? दीनता ये है कि आप गलत हो फिर भी आप बोल रहे हो जी आपकी बात ठीक है, मैं इस पर काम करूँगा। और एक्चुअली में आप काम करो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने काम किया, रामचंद्रपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को बोला आप ज़्यादा खा रहे हो, चैतन्य महाप्रभु नहीं खा रहे ज़्यादा, सारे भक्त महाप्रभु को बोल रहे हैं आप खाओ ज़्यादा, आप कम खाते हो, महाप्रभु ने बोला भाई इतना ही खाऊंगा मैं, फिक्स्ड डाइट है महाप्रभु की। फिर भी रामचंद्रपुरी ने बोला आप ज़्यादा खा रहे हो, चैतन्य महाप्रभु ने बोला आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, मैं आप कम खाऊंगा। पहले से कम खा रहे हैं, आधी कर दी अपनी डाइट, ऐसा नहीं जी मैं कम खाऊंगा वो गए वापस शुरू हो गए, नहीं, उन्होंने अपने महाप्रभु ने भोजन प्रसाद लेना आधा कर दिया पहले से,
सारे भक्त परेशान हो गए, सारे भक्त परेशान हो गए, क्या हो रहा है। ये दीनता होती है, इसको विनम्रता कहते हैं। अगर आप गलत हो तो सुधर जाओ, अगर आप सही हो फिर भी स्वीकार करो और अच्छा बनने का प्रयास करो, आपका यश फैलेगा। इससे आपका, अगर किसी ने आपकी आलोचना की, आपने बदलाव लाए अपने अंदर, तो ये अच्छा गुण माना जाता है, अवगुण नहीं माना जाता। लेकिन करना कठिन होता है, लेकिन बार 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 हम सुनते रहेंगे, ऐसे भक्तों के साथ रहेंगे जो बार बार आपको इस विषय में चेतावनी देते रहेंगे, तो बच जाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं वो आपको भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाते रहेंगे, मौका आते गिर जाओगे नीचे। वो भी सुनो, साथ में इन विषयों पर भी चर्चा नियमित रूप से होनी चाहिए, जिससे कि हर भक्त अपने हृदय में बोले हाँ भाई बात सही है, सावधान रहने की आवश्यकता है, तब जाके बचाव होता है, तब बचाव होता है, नहीं तो प्रॉब्लम है, बड़ा मुश्किल है बचना। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, आपका एकदम जायज़ है प्रश्न, आपका मुश्किल है ऐसा बचना।